अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी अपनी सद्दफ। आप देख रहे हैं सद्दफ फैमिली व्लॉग। तो गाइस, उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो गाइस, हमने घर में लगाई थी वो तंदूरी जो गांव में लगती है, वो देसी तंदूरी, वो उसमें हम लगाने लगे थे रोटियाँ। तो अभी मैंने वो तंदूरी जला दी है, तो अब मैं आटा गूंदने लगी थी। चलो गाइस, मैं आपको तंदूरी दिखाती हूँ। तो गाइस, ये देखें आज का मौसम कितना प्यारा। इतनी बार शदीद गर्मी के बाद आज मौसम थोड़ा अच्छा है, और मतलब कि खिला खिला सा है। हर तरफ हमारे इधर हरियाली हरियाली है और बहुत खूबसूरत मौसम है। तो आए, जहाँ मैंने तंदूरी लगाई हुई है ना, वहाँ भी आप देखें सामने नज़र पड़ेगी तो सब हरियाली है, बहुत खूबसूरत माहौल है। तो गाइस, ये देखें, ये हमने तंदूर लगाया हमारे हाथ का सोई तंदूरी, ठीक है। उसमें अभी आग जल रही है, जब तक इसकी आग जल रही है तब तक मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखिए इधर आराम ना, और लकड़ा जल रही है, कुछ नहीं कर दिया, जानदा नहीं दे दे, फैशन देखो। मैं गाइस, हम अभी आटा गूंदने लगे हैं, आटा गूंद के रखेंगे तब तक तंदूरी बल जाएगी। फिर हम ये देखें, तो आप में से किस किस को तंदूरी की रोटी पसंद है, घर वाली घरेलू रोटी देसी माहौल की, आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। ये देखिए हम आटा गूंद लिया अभी, और फल्ला गाइस धूप आ गई है। देखो भैंस इस तरह करया कर, फिर इंज बाल्टी लेके सारा आटा बना लू। अब हम उसको मुक्की दे रहे हैं। ये देखें गाइस, हम आटा हमारा भून गया। तो ये देखिए गाइस, आटा हमने अब गूंद लिया। अब हम इसमें पोना देते हैं, और फिर हम फिर मैं इंतज़ार करूंगी तंदूरी बलने का। ये देखें, अब हम आधा लेते हैं। अब मैं जाकर फिर देखती हूँ तंदूरी का कितना टाइम है उसमें। और जी तो गाइस, ये अब हम रखते हैं आटा, दे तब तक हमारी तंदूरी जल जाएगी। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।